पगार दे दो, आने जाने का ट्रेन भाड़ा दे दो। अरे लेकिन तुम आई कभी ना टिकट। हाँ तो जाने का तो दो, और देखो मुंबई दर्शन का पैसा अलग देना पड़ेगा। देखा देखा तुम्हारे भाई का कारनामा, तुमको 4,000 चाहिए ना? हाँ, 4 नहीं तुमको 8,000 मिलेंगे। सच? अरे तो दो ना। उसके लिए तुमको अहमदाबाद जाना पड़ेगा, उधर आपके वो सुंदर भाई श्री साहब है ना, वो आपको देंगे। चलो निकलो चलो। मतलब आप मुझे पगार नहीं देंगे? अरे तुमने इधर काम नहीं किया तो पगार किस बात का दूं मैं? तो करवाऊ ना, इसके लिए तो मैं आई हूँ। बोलो बोलो सर, क्या काम करने का है? अरे मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना है। तो पगार दो। अरे फिर वही बात। देखो सर, फैसला कर लो, या काम दो या पगार दो। हाँ बोलो। हमारे लिए एक खुशखबरी है। ये हो नहीं सकता, क्योंकि खुशखबरी और हम तराजू के दो अलग अलग पलड़े हैं। आप भी क्या मेहता साहब की तरह बोलने लगे, कुछ समझ में आया ऐसा बोलिए ना। अच्छा सोचो क्या खुशखबरी होगी। तेरा भाई सुंदर सुधर गया। हाँ, हाँ? क्या आप भी? अरे मेरा वीरा तो सुधरा हुआ ही है। अरे भैया काम का टाइम है तो कहाँ ये टाइम पास कर रही है, बोलना भाई क्या खुशखबरी। हाँ हाँ बताती हूँ, हमें काम वाली बाई मिल गई है। क्या काम वाली बाई मिल गई? अरे वाह दया, ये तो वाकई में खुशखबरी है। कौन लाया हमारी जिंदगी में ये खुशी, कौन लाया दया? नट्टू काका। और काम वाली बाई का नाम है लवली, और वो दोनों है ना फटफटिया में आए थे। बस 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 दया, वो भाई का पूरा इतिहास मैं शाम को घर आऊंगा ना तभी बताना।